एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। इंडिया की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या यंग लड़कियां और लड़के की होती है। इन यंग लोगों की आत्महत्या में जो पहला कारण है वो है पढ़ाई, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है रिलेशनशिप। इन दोनों कारणों का जो बेस है वो है स्ट्रेस, बोझ, पढ़ाई का बोझ। आए दिन न्यूज़पेपर, टीवी में खबर मिल जाती है कि एक आईआईटी के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, हॉस्टल के कमरे में अपनी हाथ की नस काट के सुसाइड कर लिया। सोचो क्या कमी रह गई कि आजकल के स्टूडेंट को ये कदम उठाना पड़ रहा है। सोचो जो लाइफ हमें ऊपर वाले ने दी है, हमारे माँ बाप ने दी है, क्या ये लाइफ कागजों की डिग्री से ज़्यादा कीमती हो गई है? एक बात हमेशा याद रखना, तुम एग्ज़ाम में फेल हुए हो, जिंदगी में नहीं। कौन सी दौड़ है ये कौन सी रेस है? टॉप करो, चाहे कुछ भी हो इन बच्चों का, बस टॉप आना चाहिए। यार ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है, गधा या घोड़ा नहीं। इस कंपटीशन ने हमारे देश के स्टूडेंट को इतना कमज़ोर कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि टॉप नहीं आया, नंबर कम आए, फेल हो गया तो रास्ता सीधा सुसाइड का। ऐसा क्यों? लाइफ इतनी सस्ती हो गई है कि तुम ये कदम उठाने की सोचते हो? क्यों किसी को देख के दौड़ रहे हो? ये कौन सी दौड़ है भाई? रुको जरा, देखो अपने आप को आईने में, सोचो तुम क्या थे और अब कैसे बन गए। इस कंपटीशन की दुनिया से बाहर निकलो प्लीज़, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। वैसे भी हम इस गैलेक्सी पर हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं, हम सबको एक दिन जाना है। वैसे भी लाइफ बहुत छोटी मिली है हमें, इसे घोड़े और गधे बनकर मत गवाओ, अपना किरदार निभाओ। तुम करने क्या आए हो इस धरती पर? खुद को टाइम दो, जानो अपने आप को, जो तुम्हें अच्छा लगे वो काम करो, जिस काम को करने में तुम्हें खुशी मिले वो काम करो। एक बात याद रखना, तुम्हें कामयाबी उसी काम में मिलेगी जिसे करने में तुम्हें मजा आए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग थे वो सब घोड़े गधे नहीं थे, उनको जितनी पढ़ाई करनी थी करी। आधे से ज़्यादा कामयाब लोगों के पास तो स्कूल और कॉलेज की डिग्रियां तक नहीं है, फिर भी वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। इन लोगों ने अपने पैशन से लव किया, अपने आप से लव किया, आज कामयाबी इनके पीछे है। चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, धीरूभाई अंबानी हो, या बिल गेट्स हो, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आमिर खान या शाहरुख खान हो, बहुत से उदाहरण हैं। ये जो स्कूल कॉलेज की डिग्रियां हैं ना, हमें केवल एक बच्चे से मैच्योर बनाती है, बस इतना सा काम है इसका। कामयाबी और सक्सेस हमें अपने बलबूते पर मिलती है दोस्तों। और हाँ, जाते जाते मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को समझो, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ये करना क्या चाहते हैं वो तो समझो। ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर टैग लगाना बंद करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें ये, तुम्हें वो, कम से कम इतने परसेंट तो आने चाहिए, इससे कम में काम नहीं। ये कौन सी ज़बरदस्ती? बच्चा पैदा किया है, कोई रोबोट नहीं। पिता वाला डिस्टेंस मत रखो, इन्हें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। आज की पीढ़ी की जनरेशन है अंकल, आप इनको सपोर्ट करोगे तो ये आपको समझेंगे। आजकल के बच्चे इतने अकेले हो गए हैं कि किसी को अपना दर्द शेयर नहीं कर सकते। आज के पिताजी व्हाट्सएप और एप में बिजी हैं, बड़ा भाई डेटिंग ऐप में रॉयल संजू बन के बैठा है, और माँ तो स्टार प्लस और कलर्स के सांस और बहू वाले सीरियल में बिजी है। और इधर जिस बच्चे के नंबर कम आए हैं वो फेल हो गया है, वो घर में किसे बताए? मन ही मन घुट रहा है, सोच रहा है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों जाते जाते एक बात बोलता हूँ, लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उसे शेयर जरूर करें, चाहे कोई भी बात हो। दोस्त को बताइए, भाई को बताइए, बहन को बताइए, पिता को बताइए, माँ को बताइए। टेंशन को शेयर करोगे तो रास्ते मिलेंगे। टेंशन कोई भी हो उसका सोल्यूशन है। जाते जाते एक बात याद रखना, बदलता है ज़माना सबको, बदलता है ज़माना सबको, मर्द वो है जो ज़माने को बदल दे। वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें अपने चाहने वालों को, क्या पता ये वीडियो किसी की जान बचा जाए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।